बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चने की दाल से लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। जिसके लिए 1 कप चने की दाल ली है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। अब इसका पानी रिमूव करेंगे और इसको फाइन, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाएंगे, दड़ा सा चॉप करेंगे। पानी रिमूव कर दिया, अब इसको मैं चॉपर में डाल रही हूँ। ये देखें, इस स्टेज पे हम इसको निकाल लेंगे, बस इतना कि इसको हमने चॉप करना है। ये हमने ग्राइंडर में कर लिए, इसे पतले पतले से पल्ले के टाइप बनाएंगे इसको। ऐसे हम सारे इसके टिक्की टाइप बना के रखेंगे, फिर इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए टिक्की तरह हमने सारी बना लिया, अब इनको फ्राई करेंगे। घी में कढ़ाई में घी डाल दी है, लाइट सा ब्राउन करेंगे इसको, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। चेंज करेंगे, लाइट सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये जो भल्ले की तरह चने की दाल के फ्राई किए हैं, पकोड़े कह सकते हैं आप कुछ भी, इसको हम छोटा छोटा तोड़ेंगे ठंडा होने पे। ये देखें बिल्कुल ये दानेदार फॉर्म में तैयार हो गया, सेम हमें ऐसे चाहिए। अब हम लड्डू के लिए चाशनी रेडी करेंगे। 1 कप चीनी लिया, 1 कप चीनी में 1/2 कप पानी ऐड, लड्डू के लिए शीरे में चीनी हल होने तक पकाएंगे, पूरा 1 कार ही चाहिए तकरीबन, 1 कार के करीब हल्की सी चिपचिपाहट होगा, सतना शीरा हमने रेडी करना। स्टेज पे इसमें इलायची का पाउडर ऐड करूंगी, 2 चुटकी गोल्ड कलर, ये देखें दानेदार फॉर्म में रेडी हो गया। फिर थोड़ा सा लेमन जूस डालूंगी, लेमन जूस से ये होगा कि क्रिस्टल नहीं बनेंगे चाशनी के। ऑलमोस्ट हमारी चाशनी रेडी हो गई। ये देखें पूरा 1 कार नहीं बना, लेकिन दाल के करीब है, बस इस स्टेज पे इसको बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करके अब इसमें ये चने की दाल का जो चूल्हा रेडी किया वो डालेंगे।
अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ज़रा दम पे रखेंगे। इसमें मगज़ ऐड करेंगे, इसके लड्डू बनाते हैं। आपकी सोच है कि कितने टेस्टी बने, आप वो ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल झटपट बनने वाले लड्डू। वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मोतीचूर के लड्डू रेडी हो गए, आप जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बने। अल्लाह हाफिज़। जी मोहम्मद हामिद, कैसे बने लड्डू टेस्ट करके बताएंगे।